उसके बाद फिर मैंने ये इसके नीचे एक फॉर्म का एक और पीस इसके नीचे लगा लिया। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सोफ़ा के ऊपर बैठे में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आप इसकी बैग देख रहे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान अली, आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं सफ़रनामा बाय उस्मान के साथ। मेरे चैनल का नाम है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। मैं इस वक्त 2000 किलोमीटर का एक और टूर करके आया हूँ जिसके अंदर मैंने अपनी जाने से पहले एक प्रोडक्ट खरीदी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको उसका प्रोडक्ट एक रिव्यू दिया जाए। 2000 किलोमीटर मैंने जो सफ़र किया, क्या उसके लेने का मुझे कोई फ़ायदा हुआ है, क्या उसने मुझे सफ़र में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया है कि नहीं दिया, तो मैं उसका एक रिव्यू लेके आया हूँ। और वो प्रोडक्ट है जी, ये फोम का कुशन है। ये मैंने द्रास से ख़रीदा था जाने से पहले, काफ़ी सस्ता है, 900 रुपीज़ में मुझे ये मिला था। तो आप ये इजीली बाय, हर बंदा इसको आराम से बाय कर सकता है। इससे पहले जो मैंने एयर कुशन ख़रीदा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तो वो तकरीबन 3500 किलोमीटर चलाया मैंने और उसके बाद वो ख़राब हो गया बिल्कुल, वो जगह जगह से पंचर होना शुरू हो गया, उसकी हवा लीक होना शुरू हो गई। खैर वो मैंने अब उसको फेंक दिया और ये नया मैंने ख़रीदा था, क्योंकि सफ़र पे जाने से पहले मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं फिर दोबारा से 4500-5000 रुपये खर्च करूँ और एयर कुशन दोबारा मंगवाऊँ। उसके बाद फिर मैंने ये इसके नीचे एक फोम का एक और पीस इसके नीचे लगा लिया जिससे ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। आप बिलीव करें कि मैंने इसके ऊपर जिस वक्त मैं वापस आया हूँ तो कंटिन्यू मैंने 700 किलोमीटर का मैंने सफ़र किया जिसके अंदर मुझे बिल्कुल भी इसने पेन नहीं होने दी। हाँ हल्की फुल्की पेन होती थी, वो आपको पता कि सफ़र के दौरान आप कुछ भी लगा लें, एयर कुशन हो जितना मर्ज़ी अच्छा हो, आपकी जो हिप्स हैं वो पेन करना शुरू कर जाती हैं, कमर पेन करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर रिलैक्स करते हैं, रुकते हैं, ठीक है, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको द्रास से जाके खरीद सकते हैं। ये फॉर्म कुशन है, वहाँ से आपको ये 900 रुपीज़ का, 850 का, इस तरह से आपको प्राइसेज हैं 1000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ, ये देखें, बैठने के बाद ये देखें ज़रा कुछ इसकी ये इस तरीके से शेप आती है, ये आप इसको देख सकते हैं। ये आप इसकी बैग देख रहे हैं, ये जिस वक्त हम ये पीछे आते हैं, ये बैक आपकी ये वाली जो साइड है पीछे की, इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। जीएस सुजुकी जीएस की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो आप सफ़र के दौरान तो खाली सीट के ऊपर तो आप बिल्कुल भी गुजारा कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी सीट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कुशन को लाजमी बाय करें, 900 रुपीज़ का। अगर आपको पसंद ना भी आए तो 900 रुपीज़ क्या कहते हैं जी। ये एक मेरा छोटा सा रिव्यू था फॉर्म कुशन का, तो ये आप दराज से जाके बाय करें और मुझे बताइएगा, ख़रीदने के बाद आप उसको चलाएं और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या ये प्रोडक्ट पसंद आई, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो आपके दोस्त हज़रात हैं जो बाइकर्स हैं उनके साथ भी मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। मेरी कश्मीर सीरीज़ जल्द आ रही है, उसकी वीडियोज़ भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर, उस कश्मीर सीरीज़ को भी लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।